दोस्तों, ये है मेरा अप्रोक्स 1 लाख का इनकम्प्लीट पीसी। दोस्तों, इनकम्प्लीट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे ग्राफिक्स कार्ड और ARGB फैन अभी तक डिलीवर नहीं मिला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजफ्फर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुल्लस अपडेट वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, पीसी कंपोनेंट को एक एक करके देख लेते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, यह है इंटेल की तरफ से कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर जो है LGA1700 और i5 12400 जो एक अच्छे पीसी बूस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों, इसका MIP है 26,340 जो मुझे 21,000 के आसपास मिला है। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। इसमें इंटेल की तरफ से एक यूजर गाइड दिया गया है, आप देख सकते हैं। और चलिए फाइनली हम प्रोसेसर को निकाल लेते हैं। दोस्तों, पहले CPU फैन को निकालते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इंटेल की तरफ से CPU फैन कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों, इसको कटते साइड और मेन प्रोसेसर को अभी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं इंटेल कोर i5 12400 प्रोसेसर जो है 6 कोर 12 थ्रेड। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों, अभी इसे भी रखते हैं साइड। सॉरी दोस्तों, इसके बारे में और एक डिटेल्स देना आपको भूल गया हूँ मैं। ये प्रोसेसर है विद ग्राफिक्स, तो आप लोगों की अभी भी ग्राफिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इसे आप साइड में रखते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मदरबोर्ड को देख लेते हैं। ये मदरबोर्ड है आसूस की तरफ से टफ गेमिंग मदरबोर्ड B660M+ Wi-Fi D4। और दोस्तों, आसूस टफ गेमिंग का ये जो सीरीज है, ये खास करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, इसलिए क्योंकि इसमें इंटेल का लेटेस्ट सभी प्रकार प्रोसेसर सपोर्टेड है। इंटेल चिपसेट, इंटेल कोर, इंटेल ऑक्टेन और i3 से लेकर i9 तक सभी टाइप प्रोसेसर आप इसमें लगा सकते हैं और 12 जनरेशन तक। खास बात यह है इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई 6 भी दिया गया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और दोस्तों, इसमें ARGB Gen 2 आउरा सिंह LED लाइट भी दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग फोटो में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे LED लाइट फंक्शन दिया गया है। चलिए अब पीछे की तरफ देखते हैं इसके पोर्ट के बारे में क्या क्या जानकारी दिया गया है। दोस्तों, पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं पूरा लिखा हुआ है, देखिए डिटेल्स में देख पा रहे हैं। ईथरनेट देखिए, वायरलेस एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोग देख पा रहे हैं।
ब्लूटूथ भी यहाँ पे 5.2 दिया गया है। ग्राफिक सपोर्ट के लिए भी दिया गया है पोर्ट, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। देखिए रियलटेक की तरफ से ऑडियो फीचर्स, रियलटेक टोटल ऑडियो फीचर्स और जैक्स यहाँ पे दिया गया है। टाइप देख पा रहे हैं आप लोग कौन से इमेज का मेमोरी, और स्टोरेज के लिए भी आप लोग देख पा रहे हैं। और नीचे दिया गया है एक्सपेंशन स्लॉट, आप लोग देख पा रहे हैं। और नीचे की तरफ है फ्लेक्सिबल M.2 हीट सिंक, पिक्चर में भी आप लोग देख पा रहे हैं। और USB 3.2 जेनरेशन 2x2 टाइप सी यहाँ पे दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है। M.2Q लैच। और दोस्तों जो मुझे इस मदरबोर्ड में सबसे अच्छा लगा है वो है टू वे नॉइस कैंसिलेशन, जो नॉइस को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है खास करके। चलिए अब फाइनली बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड को देख लेते हैं, खोल लेते हैं बॉक्स को। चलिए चलिए दोस्तों बॉक्स को करते हैं ओपन, और फास्ट देख पा रहे हैं आप लोग, ये है Asus की तरफ से दिया गया वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए एंटेना। और निकलते हैं मदरबोर्ड को फाइनली Asus की तरफ से टॉप गेमिंग मदरबोर्ड। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं Asus की तरफ से है टॉप गेमिंग मदरबोर्ड। दोस्तों प्रोसेसर के लिए स्लॉट देख पा रहे हैं, और यहाँ पे रैम के लिए 4 स्लॉट दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इंटरनल SSD के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, देख पा रहे हैं। ग्राफिक्स के लिए भी स्लॉट दिया गया है, आप लोग पूरा देख पा रहे हैं। और यहाँ पे LED लाइट्स दिया गया है 8GB। चलिए इसके बैक पैनल को देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, बहुत सारे USB पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, और इथरनेट के लिए भी पोर्ट दिया गया है लैन के लिए, और खास करके वाईफाई 6 के लिए और ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे बैक पैनल पे देख पा रहे हैं आप लोग पोर्ट दिया गया है। और साउंड के लिए भी बहुत सारे पोर्ट दिया गया है, साउंड इन आउट आप लोग देख पा रहे हैं, और माइक के लिए भी पोर्ट दिया गया है, देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे दिया गया है हीट सिंक, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ARGB लाइट्स के लिए पोर्ट्स, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए यहाँ पे पोर्ट्स दिया गया है, इधर इस साइड पे 2 और इस साइड पे भी 2 दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी हीट सिंक के लिए दिया गया है, ओवरऑल जो हीट सिंक है, पावर सप्लाई के लिए दिया गया है, देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, यानी कि एंड ESports की तरफ से PCU पावर सप्लाई FE550B 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड
जो बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है 3 ईयर वारंटी के साथ, जिसमें फ्लैट केबल दिया गया है, कंटिन्यूअस पावर, एक्टिव पीएफसी, 120 mm साइलेंट फैन और 85% मैक्स पावर सप्लाई आप लोग देख पा रहे हैं केबल। और दोस्तों कब से आप लोग इस प्रोडक्ट को देख पा रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम है। इसका भी एक काम है, आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे इसमें दिया गया है यूएसए टाइप का प्लग, जो हमारा यूरोपियन फ्लैग से मैच नहीं करता है, इसीलिए खास मैंने इसको खरीदा है। आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए इसी में आपको कंफर्टेबल फिट होगा। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल फिट हो रहा है, पावर सप्लाई के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट है जीएम ब्रांड की तरफ से, ट्रैवल यूनिवर्सल मल्टीप्लग विथ शार्क प्रोटेक्टर एंड इंडिकेटर। इसमें रेड कलर का इंडिकेटर आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए इसमें और खास बात कुछ नहीं है, इसे करते हैं साइड और मेन पावर पीसी को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं 120 mm फैन, रियर फैन एंड ये स्पोर्ट्स की तरफ से PF550B 80+ ब्रोन सर्टिफाइड, जो एक अच्छे पीसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे ढेर सारे केबल कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड से, और ये केबल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये पूरा मॉड्यूलर टाइप का है और केबल है पूरा फ्लैट और ब्लैक कलर में, आप लोग देख पा रहे हैं। और 120 mm फैन साइलेंट, फुल्ली साइलेंट फैन। और पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और पावर के लिए पोर्ट दिया गया है। और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, चलिए इसे। और दोस्तों एक खास बात, ये क्योंकि ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है तो इसमें एनर्जी एफिशिएंट के लिए आपको बहुत ही अच्छा होगा, 85% तक एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपका बिजली का बिल बहुत सेविंग करेगा। चलिए इसे करते हैं साइड और नेक्स्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं। किंगस्टोन हाइपर एक्स फ्यूरी DDR4 रैम, जो है हाई परफॉर्मेंस मेमोरी और ऑप्टिमाइज फॉर इंटेल एंड AMD। इसमें इंटेल XMP सर्टिफाइड, जो लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। और बैक साइड में आप लोग देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं है ज्यादा, खाली MRP आप लोग देख पा रहे हैं 27,500, जो मुझे 13,000 के आसपास मिला है। और देख पा रहे हैं इसमें 32 GB मेमोरी किट, 2 पीस, 16 GB और 16 GB, जो पीसी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हाई परफॉर्मेंस भी है, जो पीसी स्मूथ चलने के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं रैम को। ये मैंने किया है बॉक्स को ओपन और चलिए देखते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं 2 पीस रैम हाइपर एक्स फ्यूरी DDR4 16 GB और 16 GB, टोटल 32 GB, ब्लैक कलर में 3600 mAh, जो बहुत ही अच्छा है आपके पीसी को बूस्ट करने के लिए। और दोस्तों खास बात यह है एक गेमिंग रैम, जो
ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है, आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस दिलाएगा ये रैम, आप लोग देख पा रहे हैं। और ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं एंड ई स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पे सीपीयू मिड टावर। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं एंड ई स्पोर्ट्स आईसीई 280 TGW व्हाइट कैबिनेट। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स ब्रांडिंग लोगो के साथ व्हाइट मिड टावर, साइड में ग्लास पैनल दिया गया है यहाँ पे जो ब्रेकेबल है। यह ग्लास पैनल, चलिए इसे करते हैं साइड और अंदर देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इसके साथ ही 120mm ARGB फैन दिया गया है, वन पीस दिया गया है। और इसके साथ आप लोग और भी ज्यादा फैन लगा सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पेस दिया गया है। और ऊपर की तरफ भी दो फैन लगा सकते हैं, सामने की तरफ तीन फैन लगा सकते हैं और नीचे और भी दो फैन लगा सकते हैं। और केबल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह दिया गया है। और USB और पावर सप्लाई के लिए कुछ केबल दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। और पीछे आप लोग देख पा रहे हैं मदरबोर्ड के स्लॉट के लिए जगह छोड़ा है और पावर PCU के लिए भी यहाँ पे जगह दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक नेट पैडिंग दिया गया है जो मैग्नेटिक टाइप का है, आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे छोड़ने से ही अपने आप अपने जगह पे बैठ रहे हैं। और चलिए अब इसके पावर स्विच को देख लेते हैं। यह है पावर स्विच और यह रियर स्टार्ट स्विच। और यहाँ पे माइक और हेडफोन्स के लिए दो पोर्ट्स दिया गया है और USB 2.0 का दो पोर्ट्स और USB 3.0 का वन पोर्ट दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। और सामने पूरा LED ARGB लाइट्स दिया गया है जो इसको लुक्स को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाता है, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों और इस साइड से भी स्क्रू को खोल सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा जगह दिया गया है यहाँ पे। और नीचे आप लोग देख पा रहे हैं SSD के लिए दो स्पेस दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा। और ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों। चलिए इसे रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ग्राफिक्स कार्ड और ARGB फैन जैसे ही मुझे डिलीवर मिलता है आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों अगर मेरे इसी भी कंपोनेंट सभी अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे आने वाले तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मुल्लास अपडेट वर्ल्ड। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।